जहाँ ज्ञान किताबों से ऊपर है, इस विशिष्टता का पालन करते हुए चांदा पब्लिक स्कूल ने एजुफेस्ट 2016 का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए गुणों को प्रोत्साहन देने के लिए मंच प्रदान किया गया था। चांदा पब्लिक स्कूल हमेशा से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए एजुफेस्ट 2016 का आयोजन कर इसमें बच्चों के विकास हेतु सांस्कृतिक, संगणक, विज्ञान, गणित, साहित्य, क्रीडा तथा कला आदि सभी क्षेत्रों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। एजुफेस्ट 2016 न केवल प्रतियोगिताओं द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने का तरीका है, वरना ये एक सीखने का भी जरिया है, जिसे न केवल उभरती प्रतिभा को मंच है, बल्कि विद्यार्थी को भी पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से सुप्त गुण भरे पड़े हैं। ये विद्यालय का देश के लिए अच्छे नागरिक बनाने का एक छोटा सा प्रयास है। एजुफेस्ट 2016 का उद्घाटन विज्ञान तथा गणित के विभिन्न प्रकल्पों के साथ नए विचारों तथा नई सोच के साथ किया गया। साथ ही 8 दिन तक विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा विद्यार्थियों ने अपने व्यक्तिमत्व को निखारने का सफल प्रयत्न किया। विद्यालय ने 10 वर्ष पूर्व किए इस अवसर पर विद्यालय द्वारा भव्य समारोह का आयोजन 27/11/2016 को किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्य के आर्थिक मंत्री श्री सुधीर मुनगन तिवार उपस्थित थे। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर नागपुर के जाने माने डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े तथा मुंबई की सकार की सह संपादिका श्रीमती मृणालिनी नानी वडेकर, विद्यालय की संचालिका स्मिता संजय जूतोड़े तथा प्राचार्य भावना VS उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य तरीके से मुख्य अतिथि श्री सुधीर मुनगन तिवार इनका स्वागत करके की गई। अतिथियों का स्वागत दीप प्रज्वलन के साथ धारा पौधा तथा स्मृति चिन्ह देकर किया गया। अपने देश के वीर जवान तथा हमारे अन्नदाता किसानों को सलामी देते हुए तथा आभार मानते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। विद्यार्थियों ने अविस्मरणीय तथा अद्भुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरीके के नृत्य तथा नाट्य प्रस्तुतिकरण किए, जिनके द्वारा विद्यार्थियों ने 26/11 के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रॉक बैंड का प्रस्तुतिकरण से विद्यार्थियों ने समा बांध दिया था। सुरों तथा ताल के साथ व्यवस्थित लयबद्ध तरीके से विद्यार्थियों ने अलग अलग गीतों पर रॉक बैंड बजाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय की संचालिका श्रीमती स्मिता जूतोड़े ने सभी का स्वागत करते हुए विद्यालय के 10 वर्ष के संपूर्णता पर बधाई दी तथा स्वर्गीय संजय श्रीहरि जूतोड़े को याद करते हुए उन्होंने बताया कि संजय जी का सपना था कि चंद्रपुर का विद्यार्थी ऐसा हो जो न कि शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़े, बल्कि अपना सर्वांगीण विकास करते हुए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले स्पर्धाओं में उतरे तथा अपना यश हासिल करे। उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यार्थी तैयार करने के लिए विद्यालय कटिबद्ध है तथा शिक्षक, पालक, विद्यार्थी तथा विद्यालय का ये हमेशा ही प्रयास रहेगा जिससे देश को सुदृढ़ तथा परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले नागरिक मिले। विद्यालय की प्रधानाचार्य भावना VS ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों का प्रोत्साहन करते हुए कहा कि इन 10 दिनों में विद्यार्थियों ने जो सीखा वो उसके जीवन के अमूल्य क्षण है, ये उसके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक होंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सुधीर मुनगन तिवार ने विद्यालय तथा संचालिका स्मिता जीवतोड़े तथा प्रधानाचार्य को विद्यालय के 10 वर्ष पूर्ण करने की खुशी में बधाई दी तथा उन्होंने गुब्बारों के साथ विद्यार्थियों की तुलना करते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को उसका प्रतीक बताकर ऊंचे से ऊंचे प्रगति करके चंद्रपुर का नाम ऊंचा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पहले नॉलेज इज इन कॉलेज था, परंतु अब इस विद्यालय में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास देखकर उन्हें आनंद मिला, जिसके लिए विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यार्थी को बधाई दी। उन्होंने विद्यालय के कार्यों की सराहना की। आज का विद्यार्थी कार्यकुशल व सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होना चाहिए, इस बात का विद्यालय पूरा पूरा ध्यान रखता है। ये देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, क्योंकि शारीरिक विकास पर ही बौद्धिक विकास निर्भर होता है। ऐसा प्रतिपादन प्रमुख अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े इन्होंने किया। मुंबई सकार सह संपादिका मृणालिनी नानी वडेकर ने विद्यार्थियों तथा पालकों को संबोधित किया। विद्यार्थियों तथा पालकों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने चौंका देने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जो सारी सुविधा प्राप्त मुंबई का विद्यार्थी भी नहीं कर सकता है। ज्ञान किसे कहते हैं और कैसे हासिल किया जा सकता है, ये इस विद्यालय को देखकर समझ में आता है। उन्होंने विद्यालय की संचालिका स्मिता जूतोड़े तथा प्रधानाचार्य भावना VS, शिक्षकगण तथा विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई दी तथा प्रगति के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। इस भव्य कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका कांचन नारंग, मंजूषा गौरकार ने किया।
कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम के संयोजिका अंजलि बंडावार के आभार प्रदर्शन से हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अथक मेहनत ली। अतिशय उत्तम कार्यक्रम बघण्याचा योग मग या निमित्ताने आला। स्मिताताई तुमचं, भावनाताईंचं व तुमच्या संपूर्ण टीमचं अभिनंदन व तुमच्या या संस्थेच्या माध्यमातून यापेक्षाही उत्तम कार्यक्रम व्हावे, उत्तम विद्यार्थी घडावेत याकरता माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना। खरं तर या कार्यक्रमाची सुरुवातच या ठिकाणी आकाशामध्ये फुगे सोडून झाली। मी मनात तोच विचार करत होतो की स्मिताताई रेड, ग्रीन, येलो, ब्ल्यू सर्व फुगे हातात घेऊन उभ्या होत्या आणि मग कैचीनी त्या दोऱ्यात जसे कापल्यास सर्व फुगे आकाशात गेले। खरं तर चांदा पब्लिक स्कूलचं हेच यश आहे। इन द सपोर्ट ऑफ नॉलेज